सर वो बस गाँव से कॉल आई हुई थी चाचा की वो बता रहे थे कि आपस में बड़ा झगड़े वगैरह हो रहे हैं मैंने कहा परेशान ना हो झगड़े तो चलते ही रहते हैं मैं बस अभी कुछ टाइम मैं जब फारग हूँ मैं आऊँगा और तो लोगों से आके बात करूँगा फिर मामले को सुलझा लेंगे सर आप बताएं सर आप जाग रहे हैं इस वक्त अब मैं गहरी नींद सो रहा था बस एकदम आंख खुली कोई ख़्वाब देखा बुरा सा खाबों की ताबीरें निकाल लेते हो फजल बख्श हाँ सर निकाल लेता हूँ हाँ निकाल लेता हूँ सर आप आप मुझे ख्वाब बताएँ मैं ताबीर निकालता हूँ आप ख्वाब बताएँ सर आपने क्या देखा तुमे? मुझे क्या कर रहा था सर मैं तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो कहीं दूर हमेशा के लिए तो तुम्हें क्या लगता है कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है तुम्हारी नज़र में सर मेरी नज़र में ये जो इस ख्वाब की सबसे अच्छी बात है सर मेरा दूर जाना आपको बुरा लग रहा है और ये आपको तकलीफ दे रही है ये बात और सर इस बात से साबित हो जाता है कि सर आपके दिल में मेरी बहुत जगह है और आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो सर आप इस तरह सर मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सर जो इंसान आपके दिल के करीब होता है आपको बस बस आते हैं कि वो इंसान मुझसे दूर ना चले जाए सर सर मुझको तो लगता है सर ये यही कुछ ताबीर है आपके दिल की बात है सर खौफ है सर ये आपको क्या लगता है सर hmm. प्यार तो मैं करता हूँ तुम्हें तो चाहता हूँ लेकिन एतबार तो उससे कहीं ज़्यादा और भरोसा जी सर यकीन यक़ीन करता हूँ सर इस बात का मगर सर मैं समझता हूँ ख्वाब तो सर ख्वाब होते हैं जहाँ पे अगर हकीकत पे इतना नाज हो तो ये बस ऐसी बातें इनको आप इग्नोर कर सकते हो सही कह रहे अरे बस मेरा रब इस यकीन को हमेशा कायम रखे आमीन सर मैं भी सर यही दुआ करता हूँ हाँ वो क्या कहते हैं न कि रात की बात का एतबार ही क्या रात गई बात गई सही है सर सही सर ठीक है शब बखर शब बखर सर सर कोई काम हो तो मुझे बताइएगा सर देखो खाब की तबीयत पूछने आ गया था सर शबर